भाई साहब बर्फबारी हो गई है तेज बहुत ज्यादा। भाई अपनी आग जल चुकी है, अभी हम सेक रहे हैं आग। इधर बहुत ज्यादा ठंड है इधर, ये देखो। रात को हम सोए थे, एक दो तीसरी रजाई चौथा कंबल, चार लेयर लेके सोए थे। बहुत ज्यादा ठंड थी। अभी यहाँ का टेम्परेचर है 2 डिग्री सेल्सियस। बाहर के नज़ारे आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखो भाई, बारिश हो रही है खतरनाक। ये देखो अपने अंचल भाई इधर खड़े हैं। ब्लॉग की शुरुआत कर देते हैं। सो गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। इस टाइम मैं हूँ बरोट में और यहाँ पे हो रही है बारिश। कल शाम को हम बरोट में ही रुक गए थे। 2 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर इधर का। मुझे लग रहा है ऐसे बारिश होती रहेगी तो मे बी टेम्परेचर और डाउन जाएगा और फिर बर्फबारी हो सकती है। इधर नज़ारे बहुत अच्छे हैं और हाल ठंडे हो गए बिल्कुल। कल शाम को ना हम बरोट में रुक गए थे और यहाँ पे हमने लिया था होम स्टे। और ये है अपना होम स्टे और ये पड़ा है हमें 600 रुपये का कमरा है भाई। रूम है पर रूम ठीक है, सही है, रूम अच्छा है। अभी चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और प्लान आगे का तो अभी क्या बोले हम। बारिश हो रही है तो हम तो निकल नहीं सकते यार, जब तक बारिश बंद नहीं होती है ना। देखते हैं, पहले कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। और ये है रिवर व्यू होम स्टे, यहाँ रुके हम। 600 रुपये का हमें रूम दिया है। ये खड़ी है अपनी बाइक वहाँ पे, बारिश में भीग रही है अभी भी बेचारी। तो आलू प्याज के परांठे बनाई दे फ्री कन्ने चाय अदरक वाली। हाँ जी, बर्फ पौधी नहीं करने करना ना, थोड़ी थोड़ी बर्फ पौधी। ये हमारे आंटी जी हैं, इन्होंने बहुत अच्छा खाना खिलाया है कल रात को। और यहाँ पे इन्होंने बहुत ही जायज प्राइस में हमें कमरा भी दे दिया। होम स्टे है इनका यहाँ पे रिवर व्यू जो होम स्टे है। तो कभी अगर आते हैं इधर तो जरूर आना है यहाँ पे, और जायज प्राइस में देते हैं और आपको घर का खाना साथ में मिल जाएगा। आंटी आज बारिश रही ना, बारिश रही तो ये कमरा हमारा रहेगा आज भी। हाँ हाँ जी, जो ये बिल्डिंग है ना, ये होम स्टे नेगी होम स्टे के पीछे ऊपर जो पेड़ है वहाँ देखो, और आइस गिर रही है ऊपर, वो वाइट वाइट हो रहे हैं पूरे पेड़ों पे जो आइस गिर रही है। देखो लग रहा है कुछ ना कुछ होने वाला है आज। और ये है जहाँ पे हम रुके हुए हैं, जो मैंने अभी दिखाया आपको रिवर व्यू होम स्टे है। इधर आज धूप होती ना तो यहाँ बैठ के ब्रेकफास्ट करने का मज़ा ही कुछ और आता है। यहाँ के नज़ारे बहुत ही खूबसूरत हैं। बस ये है कि ठंड ज्यादा है। अभी लगी गिरने, अभी ये लगी गिरने वाली। अभी देखो अभी लगी बर्फ गिरने इधर बीच बीच में। ये मोटे मोटे जो वो गिर रहा है ना रुई की तरह, ये बर्फ। और आई थिंक कि थोड़ी देर में ये वाइट हो जाएगा अगर गिरती रहेगी तो। हम खाएंगे परांठे और परांठों के साथ में चाय पियेंगे। ठंड के मौसम में परांठे खाने का मजा ही कुछ और है। सो गाइस अपना ब्रेकफास्ट आ चुका है, आलू प्याज के जो परांठे हैं वो आ चुके हैं और साथ में आ रही है चाय। हम करते हैं एंजॉय अपना ब्रेकफास्ट, फिर देखते हैं माहौल कैसा रहता है आगे का। पोलिंग लो हार्डी पोलिंग लो हार्डी तक तो पहुंचना नहीं मेरे को लग रहा है। कहाँ जाएंगे इस मौसम, अगर मौसम बारिश हो यार अभी तेज होगी। देखो यहाँ से तो कैमरे में तो नहीं आ रही होगी। चलो खा लेते हैं, देखते हैं पहले खा लेते। भाई ब्रेकफास्ट तो कर लिया हमने और यहाँ हो रहा है स्नोफॉल। ये देखो ये हो रहा है स्नोफॉल, इधर देख सकते हैं पूरा स्नोफॉल हो रहा है। और मेरे को लगता है कि थोड़ी देर में ना शायद वाइट ही हो जाएगा सारी जगह। और ऊपर तो होने लगी वाइट, ऊपर ऊपर जो है ना वो वाइट वाइट वो वाइट होने लगी हैं जगह। आज करना क्या ये नहीं पता, बस अभी खाना खाया है, ब्रेकफास्ट किया और जाके रूम में जाके फिर बैठ जाएंगे। मौसम क्लियर होगा तो आगे पीछे जाएंगे। ये बर्फ ही गिरे तो ठीक है, बर्फ के साथ में पानी गिर रहा है। कैसा लग रहा है भाई, बहुत बढ़िया मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। तो देखो पूरा स्नोफॉल हो रहा है पूरा। भाई साहब बर्फबारी हो गई है तेज बहुत ज्यादा, बहुत। ये पूरा बर्फ गिरने लगी है, अभी तो दिखने लगी है, अभी दिख रही है पूरी बर्फ दिख रही है भाई। ओह माय गॉड, थोड़ी देर में मेरे के साथ वाइट हो जाएगा। मजा आ रहा है भाई, ऊपर के तो पूरे वाइट हो गए। ये देखो ये तो वाइट हो गए पूरा। मजा आ रहा है भाई, हाथ हो गए ठंडे बिल्कुल। काफी तेज हो गई बर्फबारी, अब तो नाक पे गिरना भी स्टार्ट हो गई है। मेरे बाजुओं पे देख सकते हैं पूरी बर्फ जमना स्टार्ट हो गई है, पूरी बर्फ जम रही है बाजुओं पे। मेरे ख्याल से इधर टूरिस्ट तो कोई नहीं है, हम ही है इधर। कल तो कुछ दिखे नहीं टूरिस्ट, बर्फ गिर गई है अभी शायद आएंगे। और यहाँ से दिख रहा है उस साइड के ना पूरे जो जंगल है बर्फ से वो वाइट हो गए हैं। इधर हो रही है आग जलाने की तैयारी, आंटी जी कर रहे हैं। आंटी जी लकड़ियां थो मेरे जंगले से अंडे होने ऊपर तो जाए ना। क्या बढ़ दूर है, कमांडो बन गए मेरे मिठू भाई जो है ना, कमांडो बन गए अभी। इनको ठंड नहीं लग रही है, बर्फ आई तो है बात। अगर बर्फ गिरने लगी ना तो इतनी ठंड नहीं लगती है, बस बारिश है ना साथ में, इसलिए हमें थोड़ा ज्यादा ठंड लग रही है।
जैकेट तो मेरी भी पूरी भीग चुकी है, बट इसके अंदर ना पानी नहीं जाता है। मे भी वाटर प्रूफ है, नहीं वाटर प्रूफ तो नहीं होगी, वाटर रेजिस्टेंस तो होगी। हाँ धीरे धीरे जल रही है आंटी जी। हाँ जी भाई अपनी आग जल चुकी है, अभी हम सेक रहे हैं आग। इधर ठंड बड़ी है, आंटी जी ने जला दी आग, और बारिश ना होने लगी फिर से, बजरी गिर रही है अभी। अब पहले बर्फ़ गिर रही थी, बजरी गिरने लगी, जैकेट से ना भी धुआं निकलने लगा, सूख रही है ना ये पानी से, पूरी वो बर्फ़ से गीली हो गई थी, पूरी बर्फ़ गिरी थी ना, पाँव भी गर्म करूँगा भाई। हाँ हाइपोथर्मिया कैसे घर हो जाएंगे। हाइपोथर्मिया भाई भाई हाइपोथर्मिया तो नहीं होगा यार, इतना नहीं है वो, ये वो माइनस में माइनस जैसे 20, 30, 40, 50 में हो जाएगा। पड़ेगी कि इतनी पड़ेगी ये नहीं पता, और हम तो मजा ले रहे हैं आग सेकने का। आग जला रखी है आंटी जी ने, इधर बाइक पे भी देखो कितनी बर्फ गिर गई है, बर्फ गिर रही है अभी भी, गिर रही है बर्फ। और ये देखो मौसम ऊपर का ना और ज्यादा खराब हो गया पहाड़ों का। ठंड लग रही है आपको, क्या चाहिए, बड़ा सुंदर है। सो आगे एक 0 पॉइंट है ना, 0 पॉइंट बोल रहे थे आंटी ने बताया, आगे 0 पॉइंट हमें क्या पता, थोड़ा देख के आते हैं। चलो आप भी आ रहे हो हमारे साथ में, चलो आज आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो हमारे साथ में ये भी आ गया है धीरे धीरे, हम तीन हो गए, अभी पहले हम दो थे ना। यहाँ पे भाई गिरी है प्रॉपर टाइप बर्फ, ये देखो पूरा ग्राउंड जो है वाइट है इधर का बर्फ से। नहीं झील कहाँ आ रहा, झील नहीं है, नहीं नहीं इतनी जल्दी कहाँ जम जाएगी यार, उसके लिए तो -14-15 degree टेम्परेचर होना चाहिए भाई। ये देख लो भाई ये पूरा ग्राउंड वाइट हो रखा है इधर बर्फ से। तो गाइस अभी मौसम साफ हो रखा है, हल्का सा बारिश बंद हुई है और बर्फ गिरना भी बंद हुई है, तो हमने सोचा कि निकल जाते हैं अभी, हमें 2 घंटे लगेंगे इधर से तो निकल जाएंगे आगे, रास्ता फिर ठीक ही है, बर्फ मेरे को लग रहा है 4 किलोमीटर तक मिल जाएगी। भाई पहुंच गए कमरे में और मैं कर लेता हूँ जल्दी से सामान पैक अपना, तो निकलते हैं भाई, और बर्फबारी फिर से स्टार्ट हो गई है देख लो, तो मेरे ख्याल से 5-10 मिनट में तो क्या हो जाएगी बर्फबारी, हम धीरे धीरे निकल जाएंगे, बिकॉज बर्फबारी तो होनी है, रात को तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, फिर यही अपना निकल जाएं। तो भाई देखो फिर से बर्फबारी स्टार्ट हो गई है, निकलना पड़ेगा। ग्लव्स ले आए, ग्लव्स ठीक है आंटी जी, थैंक यू, आएंगे आएंगे, ओके ओके। भाई बर्फबारी बहुत तेज हो गई है, पता नहीं आगे कहां तक पहुंचेंगे आज।
लेकिन अभी तो हल्की हल्की है, अब तेज हो रही है। टाइम हो रखा है अभी 1:39, 2 बजे तक आई थी कि हम पहुंच जाएंगे। तो कुछ नहीं दिख रहा है रे भाई। मेरे चश्मे तो बर्फ पड़ रही है भाई। ये जोहार वैली है जहाँ पे सारी बर्फबारी हो रही है। रोड जो होता है जोहार वैली में आता है। गाड़ी जा रही है। कैमरे का लेंस बार बार साफ करना पड़ रहा है। तो गाइस ये देखो, ये पूरी ऊंची ऊंची चोटियों पे ना बर्फ गिर चुकी है और अभी भी हम घटासनी से होंगे मेरे ख्याल से 10-12 किलोमीटर और है ना, एटलीस्ट 10 किलोमीटर तो और होंगे ही घटासनी से। उसके बाद तो हमें फिर हाईवे मिल जाएगा, तो दिक्कत वाला काम नहीं। जब हम रोड से निकले थे जो बारिश और बर्फ पड़ रही थी बहुत ज्यादा और हाथ हो गए ठंडे 2 मिनट में ही। 10 किलोमीटर चलाने के बाद में दुकान वहाँ पे थी, आग जला रखी थी, वो आग सेका तो कहीं हाथों में जान आई, नहीं तो ब्रेक या क्लच ये प्रेस हो नहीं पा रहा था, हाथ सुन्न हो गए थे बिल्कुल, जान ही थी हाथों में। बारिश के बाद नज़ारे देखो पहाड़ों के, हिमाचल के पहाड़ों के नज़ारे ऐसे होते हैं। बड़े खूबसूरत लग रहे हैं पहाड़े। अभी रुकने का टाइम नहीं है, नहीं तो रुक जाते हम।
और यहाँ पे है धुंध। यहाँ पे क्या देखोगे आप, लो देख लो नज़ारे देखो, और फोगी फोगी इन्वायरमेंट देखो, कोहरा मिला इधर हमें, क्या ही खूबसूरत नज़ारे हैं। और गाड़ी है जा रही कोई आगे, ब्लेनो ब्लेनो ही है, और मौसम और ज़्यादा बढ़िया हो रहा है। ये तो होना ही है, जब बारिश होती है पहाड़ों पे कोहरा जो आता है वो आना स्वाभाविक भी है। देखो भाई HRTC की बस हमारे आगे आगे चल रही है, और ये जा रही है हमारे गांव में ही, यहाँ से तकरीबन 3.5 किलोमीटर है, और 10-15 मिनट में पहुँच जाएंगे गांव में। मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड कर रहा हूँ, मिलूंगा आप सभी से एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइज़।